एमपीएलएस एलटीपी आईजीपी सिंक देखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ राउटर्स हैं, पर ठीक है, और इनकी कनेक्टिविटी कुछ ऐसी है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपस में कनेक्टेड है, और इधर कोई कस्टमर है, ठीक है, एक कस्टमर इधर है, सेकंड कस्टमर इधर है, इसने सर्विस प्रोवाइडर से ले रखा है, एम्पलिस पाथ ले रखा है, ठीक है, एम्पलिस चल रहा होगा इन राउटर्स के बीच में। ये इधर एम्पलिस टोकन है, एम्पलिस क्लाउड है, चल रहा है, एलटीपी प्रोटोकॉल चल रहा है। तो ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 है, ये R5 है। अभी आपने इनके बीच में क्या चला रखा है, एक IGP प्रोटोकॉल भी चल रहा होगा, OSPF, ऐसे इनके बीच में OSPF चल रहा होगा, इधर भी OSPF चल रहा है, ये भी OSPF चल रहा है, इधर भी 3 और 5 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या चल रहा है, OSPF और LTP भी नेबरशिप पर है। LTP नेबरशिप किस किस के बीच में है, राउटर 1 की राउटर 2 के साथ एंड राउटर 5 के साथ, ऐसे ही राउटर 1 की 3 के साथ भी अप होगी, 2 की 3 के साथ, 4 के साथ, 1 के साथ तो है ही, 3 की 2, 4 के साथ, 1 के साथ भी होगी एंड 5 के साथ होगी, मीन आपस में सबकी LTP नेबरशिप भी बनी हुई है। ओके, अभी यहां से ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये कोई कस्टमर C1 है और C2 इधर है, ठीक है, ये कुछ अपना इसका ट्रैफिक जा रहा होगा सब। अब जो एमपीएस पाथ होगा ना, एलटीपी पाथ होगा, वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा इसमें, जो भी आपका आईजीपी बेस्ट पाथ होगा, ओके, जो भी आपका आईजीपी बेस्ट पाथ होगा उसी को फॉलो करेगा। अभी सपोज करते बेस्ट पाथ आपका कैसे बना हुआ है, बेस्ट पाथ बना हुआ आपका 2 से 3, 3 से 5, ठीक है, ये आपका बेस्ट पाथ बना हुआ है। मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, बेस्ट ट्रैफिक ऐसे जा रहा है, ओके, और एलटीपी किस किस के बीच में बनी है, इस पाथ में 2 और 3 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, इस पाथ में, ओके। अब समहाउ क्या होता है, अगर आपका एलटीपी ब्रेक हो जाता है, एमपीएलएस ब्रेक हो जाता है आपका कहाँ पे, 3 और 5 के बीच में, ठीक है, सब कुछ करते हैं, ब्रेक हो गया आपका, ये मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूँ, इसको ये आपका लिंक क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, लिंक ब्रेक ना, फिर लिंक चलता रहे, ठीक है, लिंक ब्रेक नहीं करना, लेकिन एलटीपी ब्रेक हो गई, ओके, समहाउ राउटर 3 एंड 5 क्या हुआ, एलटीपी जो नेबरशिप बनी हुई थी ना इस लिंक पे, वो क्या होगी, ब्रेक हो गई, नेबरशिप डाउन होगी एलटीपी की। तो क्या हुआ, R3 एंड R5 क्या हुआ, एलटीपी नेबरशिप आपकी क्या होगी, ब्रेक हो गई, ओके। अब ब्रेक हो गई तो देखो फिर होगा क्या, भाई आईजीपी का बेस्ट पाथ तो यही है, आईजीपी का बेस्ट पाथ तो यही है, ओएसएफ ने बेस्ट पाथ यही कैरी किया, तो वो अपना पाथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो 3 to 5 अभी भी जाएगा, ठीक है, 3 to 5 अभी भी बेस्ट पाथ कहाँ बना भाई, ये 3 to 5 आईजीपी तो यही पाथ फॉलो करेगा। अब एलटीपी हो गए ब्रेक बिटवीन 3 एंड 5, तो इस कस्टमर जो भी ट्रैफिक एमपीएलएस जो हमारा ट्रैफिक कैरी कर रहा था एमपीएलएस, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एमपीएलएस लेके नहीं जा सकता ना आगे, क्योंकि एमपीएलएस ही लेके जा रहा था, अब एलटीपी बची नहीं है, एलटीपी हो गई ब्रेक, एलटीपी डाउन हो गई बिटवीन 3 एंड 5, तो आपका ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएगा ड्रॉप, ओके। अब समहाउ हमको कुछ ऐसा करना है कि बाकी के पाथ पे गए, एलटीपी बनी हुई है मेरी, ठीक है, राउटर 2 एंड 4 बनी हुई है, 4 एंड 5 भी बनी हुई है एलटीपी नेबरशिप। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमपीएलएस एलटीपी सिंक, ठीक है, ये जो राउटर, अब ये इस ओएसपीएफ का जो ये है ना लिंक, इसको हम बोलेंगे कि भाई किधर, किसी और से जा, ठीक है, किसी और पाथ से जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, इन राउटर पर कमांड चलाएंगे, ट्रैफिक ड्रॉप होगा बिटवीन 3 एंड 5,
हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यार ट्रैफिक ड्रॉप ना हो, तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए जो आईजीपी पाथ ही चेंज कर दिया जाए, ठीक है? अगर आईजीपी पाथ आपका चेंज हो गया 2 to 4, 4 to 5, तो बेस्ट है ना फिर। एलटीपी तो इस पाथ पे बनी हुई है, तो दिक्कत क्या, ट्रैफिक इस पाथ से निकल जाएगा, ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक एमपीएस एलटीपी सिंक आपको हर एक राउटर पे चलाना होगा, एक कमांड चलानी होगी आईजीपी सिंक की। तो ये जो आईजी पर एलटीपी की सिंक है ना, देखो करेगी क्या, ये करेगी कि जैसे ही इस पाथ पे एलटीपी ब्रेक हुई ना, तो एलटीपी बोल देगी ओएसपीएफ को, ओएसपीएफ को बोलेगा फिर ओएसपीएफ कि मैं ब्रेक हो गया इस लिंक पे, ठीक है? तो ओएसपीएफ क्या करेगा, फिर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पाथ की कॉस्ट क्या कर दूंगा, मैक्सिमम कर दूंगा। ओएसपीएफ बोलेगा कि मैं इस पाथ की मैक्सिमम कॉस्ट कर दूंगा सो दैट ट्रैफिक कहीं और से निकल जाए, ठीक है? राउटर 3, 2 से 3 जा रहा था ना ट्रैफिक, यहाँ से तो बेस्ट बना होगा। अब 3 to 4 आपके एल डी पी है, वो इस पे इसको बेस्ट पाथ बना लेगा, ठीक है? समाओ ये सेकंड मेरा बेस्ट पाथ है और 4 to 5 पे बना हुआ है, ठीक है? तो ट्रैफिक कहाँ से निकल जाएगा, ये ट्रैफिक कहाँ से निकल जाएगा, फिर 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और 5 से अपना 10 to 1, ठीक है? तो ये किसके हेल्प से होता है, ये आपका होता है एल डी पर आई जी पी सिंक। तो आपको एल डी पी और आई जी पी में सिंक कराना होता है यार, ठीक है? एल डी पी, और आप देखोगे जैसे ही सिंक होगा बाई चांस ये आपके एल डी पी ब्रेक हो जाए ना इस लिंक के, तो इस लिंक पे देखोगे राउटर 5 तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, वो दिखा देगा मैक्सिमम, ठीक है? और मैक्सिमम कॉस्ट है तो जो बाकी की बेस्ट, जो बाकी की लोएस्ट कॉस्ट होगी तो उन्हीं को प्रेफर करेगा वो इस पे, और जिस पाथ को वो इस पे फॉलो करेगा उसी पाथ को आपका कौन फॉलो करेगा, एमपीएस एल डी पी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसकी लैब कर लेते हैं। लैप कर लेते हैं। ये मेरे पास कुछ ऐसी टोपोलॉजी है, मैं देखो मेरी टोपोलॉजी में R1 है, ये R6 है, ठीक है? R1 2 R6, R1 2 R6, मैं इसको क्या करवाऊंगा, इसको देखो अभी इसके बीच में आईजीपी चलती होगी सबके सारे राउटर्स के बीच में, वो इस पे चला रखा है, ठीक है? उस पे भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है इनके बीच में, वो इस पे और एलटीपी की नेबरशिप भी अपना है, ठीक है? एलटीपी इज अफेक्ट में ऑल द राउटर, ठीक है? R1 से R2, R2 से R3, R3 से R4 और जो भी इमीडिएट नेबर्स है सबके बीच में एलटीपी नेबरशिप अप है। इसके बाद क्या होगा, अभी देखो इसको ट्रेस राउट करोगे ना तो बेस्ट पाथ मेरा ये बनेगा, ठीक है? ये सबकी कॉस्ट यहाँ पे बन रहा है ना, इतना लिंक है तो लोएस्ट कॉस्ट यहीं से आएगी, ये मेरा बेस्ट पाथ बन गया। अब मैं क्या करूंगा कि समहाउ ये R4 से R5 मैं एलडीपी ब्रेक करूंगा इस लिंक में, ठीक है? एलडीपी ब्रेक करूंगा, एलडीपी ब्रेक करने के बाद आप देखोगे कि जो ट्रैफिक है ना ये एम प्लस पाथ ब्रेक हो जाएगा आपका, एम प्लस पाथ क्या हो जाएगा ब्रेक, जब भी आप ट्रेस आउट करोगे ना तो लेबल्स, इधर तो लेबल्स जाना बंद हो जाएंगे आगे, इधर मैंने आपको L3 वीपन करके नहीं दिखाया, ठीक है? जब भी हम L3 वीपन करेंगे आगे तो मैं L3 वीपन का एग्जांपल दूंगा, अभी ये नॉर्मल एम प्लस है। अभी आप देखोगे कि R4 से आगे 6 के लिए लेबल जनरेट होना बंद हो जाएंगे, ठीक है? एमपीएस हमारा ब्रेक हो जाएगा, एमपीएस ब्रेक होने का मतलब क्या, लेबल्स नहीं जनरेट होंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको लेबल्स जनरेट कराने हैं तो हम क्या करेंगे, फिर एलडी पे आईजीपी का सिंक करेंगे, तो ट्रैफिक कहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात से, क्यों? क्योंकि इसको बना लेगा क्या, इसको क्या बना देगा, मैक्सिमम कॉस्ट कर देगा, और 6 तक रीच करने के लिए फिर ट्रैफिक कहाँ से जाना स्टार्ट होगा, जो भी लोएस्ट कॉस्ट होगी R1 से R4, R4 से R3, R3 से R5, R31, ठीक है? ये बन हो गया, ये बन हो गया, ये भी बन हो गया, ठीक
है, और यहाँ से जाएगा तो आर टू से आर थ्री। बराबर पहुंच जाना है, ठीक है। तो कुछ ट्रैफिक इधर से जाएगा, कुछ ट्रैफिक इधर से चला जाएगा आपका, जब आप ट्रेस राउट करोगे तो। ओके, तो लेकिन इस वाले पाथ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जब भी आप एफपीएस एलटीपी सिंक करोगे, देखो इसमें मैं एलटीपी ब्रेक करने के लिए क्या करूंगा, इसमें मैं केसीएल क्रिएट कर दूंगा, और इससे एसीएल क्रिएट करूंगा आर फाइव पे। और हमारा एलटीपी हेलो पैकेट किस पे बेस्ड है? यूडीपी पे। यूडीपी बेस होता है ना 646 पे, तो मैं इसे 646 को डिनाई करा दूंगा। भाई जो भी आपका ट्रैफिक 646 यूडीपी से आए, आप उसको क्या कर दो, डिनाई कर दो। तो आर फोर से हेलो पैकेट आएगा, ठीक है, जा ही नहीं पाएगा आर फाइव तक, क्योंकि नेबरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आर फोर नेट पर एलटीपी की ब्रेक, तो आप देखोगे लेबल जनरेट नहीं होंगे। चलो तो इसको अचीव करके देख लेते हैं, आर फाइव पे चलते हैं। शो देखो, शो आई को मैं इनकी मेंबरशिप बना रखी है, और शो आई पी राउट 6.6.6 की देखोगे तो ये ऊपर वाले पाथ से भी कैरी करता है, ठीक है, 14 वाले से आर फोर बाई आर फोर, ये वाला पाथ से बेस्ट बनाता है। और आप अभी ट्रेस आउट कर भी सकते हो इसको आर वन से आर सिक्स तक, 6.6.6 लेबल जनरेट हो रहे हैं ना, बीच में लेबल जनरेट आ रहे हैं, ठीक है। इट मींस मेरा एमपीएलएस वर्क कर रहा है, बीच में एलएसपी बनी हुई है मेरी, एलएसपी ब्रेक नहीं है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, आर सिक्स में चलता हूँ, आर सिक्स में मैं एक एसीएल क्रिएट कर देता हूँ, एसीएल एक्सेस लिस्ट 101। क्या होना, डिनाई कराना ना आपको, क्या करवाना, डिनाई, ठीक है। सोर्स क्या हो, कहीं से भी आए, और डेस्टिनेशन क्या हो भाई आपकी, 646, ठीक है, 646 को हिट करें। सिक्स फोर्टी सिक्स से आए, ठीक है, कुछ भी आए 646 से, आपको डिनाई करवाना, डेस्टिनेशन का कुछ भी हो मेरी, और इसमें हम और बाकी के परमिट कराना होगा, ठीक है, ठीक है, बाकी का ट्रैफिक तो परमिट कराना होगा ना। परमिट आईपी एनी, इसको क्या अप्लाई करा दो, कौन से वाले इंटरफेस को अप्लाई कराओगे, देखो 1.0/3 पर, ठीक है। ओहो, ये मैंने कहाँ क्रिएट कर दी, क्रिएट कर दी, गलत कर दिया ना, चलो यार मैंने अप्लाई नहीं कर रहा इसको, आर फाइव पे बनाना ना मैं इसलिए। एक्सेस लिस्ट 101 बनाए, आपका यूडीपी वाला, तो क्या करा दो, परमिट इंटरफेस 1.0/3 तरह 0/3, चलिए इसके एलटीपी लीडरशिप देखो पहले तो शो एप्लीकेबिलिटी। ये
एंड आर 3 4 6 के साथ बनी हुई है, 3 4 एंड R6, ठीक है। R5 की निपरशिप किस चीज बनी हुई है, 3 4 X6। अब मैं 4, ये जैसे ही आप ACL क्रिएट करोगे तो क्या होगा, ACL क्रिएट करोगे और ACL अप्लाई करोगे R5 के 0/3 पे J646 को, और या फिर ट्रैफिक आना क्या हो जाएगा, डिनाई करेगा और मेंबरशिप क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेक हो जाएगी। देखो R5 पे चलते हैं, मैं इस पर ये 102 ACL है ये अप्लाई कर देता हूँ, इंटरफेस की 0/3 IP एक्सेस करो 102 इन, ठीक है। LDP हो गई डाउन R4 के साथ, ठीक है। LDP डाउन हो गई भाई, ठीक है। LDP सेशन इज डाउन। अब देखते हैं, अब ट्रेस करके देखते हैं R1 से। ये देखो इसने एमपीलस लेबल जनरेट करना बंद कर दिया, LSP मेरी ब्रेक हो गई ना, LSP मेरी ब्रेक हो गई भाई। अगर ऐसे कस्टमर का ट्रैफिक जाता ना तो ये आपका ड्रॉप हो जाता ट्रैफिक, ठीक है। अगर मैं L3 VPN देता या फिर कस्टमर क्रिएट करता, VRF क्रिएट करता, तो अपने ऐसे ट्रैफिक के अंदर ड्रॉप ड्रॉप जाना स्टार्ट हो जाता, ठीक है। अब देखो नॉर्मल IPv4 पैकेट भेज रहा है, LDP नहीं भेज रहा है, LSP मेरी ब्रेक हो गई, बट यू डू नॉट वॉन्ट दिस, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास सेकेंड पाथ अवेलेबल है ना, तीसरा पाथ अवेलेबल है भाई, इतने पास मल्टी लिंक ले रखे मैंने, ये कब काम आएंगे, ठीक है। तो इनको अब LSP मेरी इधर से चले जाए, कहीं ना कहीं से यहाँ से होके जाए, यहाँ से होके जाए, तो अब क्या करोगे, IGP LDP IGP सिंक करोगे, ठीक है। देखो सारे राउटर को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी आपको, मैं R1 पे चलता हूँ। क्या करोगे, राउटर OSPF 100 LDP सिंक, ठीक है जी। ऐसे R2 पे चलते हैं, राउटर OSPF 100 MPLS LDP सिंक। R3 पे चलते हैं, राउटर OSPF 100 MPLS LDP सिंक। R4 पे चलते हैं, और कहीं पैकिंग कुछ लिख रहा था, SLTP sync, और 5 का auto SPF 100 SLTP sync, ऐसे ही आपका R6 पे भी कर देना auto SPF 100 SLTP। तो हो जाएगा, अभी आप ट्रेस राउट करके देखना, देख रहे हो पाथ चेंज हो गया ना, पहले क्या दिखा रहा था उसी पाथ को फॉलो कर रहा था जिस पाथ को IGP फॉलो कर रहा था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसमें IGP ने क्या कर दिया, अपना पाथ ही चेंज कर दिया, ठीक है। IGP ने अपना पाथ चेंज कर दिया, ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो गया। R4 से R5 तक देखें एक बार, show IP express interface, देख रहे हो 45.5 इस लिंक पे जो इस पे कॉस्ट बनी हुई है, सॉरी उस पे मेंबरशिप बनी हुई है, उस पे कॉस्ट कितनी कर दी सेट इसने R4 में, 45.5 मैक्सिमम कॉस्ट।
मैक्सिमम कॉस्ट अप्लाई कर दो, ट्रैफिक क्या हो गया आपका, दूसरे पाथ पे डाइवर्ट हो गया। मैं वापस से वो ACL हटा देता हूँ, जीरो बाई थ्री से डाइवर्ट करूँ, R4 पर चलते हैं। तो इसकी कॉस्ट देखें एक बार, दोबारा कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट कितनी सेट होगी। ठीक है, और R1 पर चलते हैं, पेस कर प्राइमरी पाथ पे स्विच होगा। ठीक है, एल टी पे ब्रेक नहीं होगी अब आपकी इस केस में, जैसे आप एल टी पे और IGP पे सिंक करोगे तो आपकी अब LS पे ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, LS पे ब्रेक नहीं होगी, ट्रैफिक स्टार्ट कर देगा जाना, कस्टमर का ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा आपका। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, आपका LTGP, सॉरी आपका LTP एंड IGP सिंक। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। चलो जी सर, थैंक यू।